हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। ये ऑफिशियली अपडेट दिया है जेजे ने, जो कि स्टार वॉर्स यूनिवर्स में उनका काफ़ी बड़ा हाथ है उसे सक्सेस बनाने में। देन साथ ही साथ उन्होंने अपडेट दिया कि अब वो काम करेंगे डीसी यूनिवर्स के साथ। वो काम करने वाले हैं जस्टिस लीग डार्क की सीरीज पर। जी हाँ, ये ऑफिशियली लाइव एक्शन हो सकती है 85%। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये एनिमेशन होगी या लाइव एक्शन होगी, बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये लाइव एक्शन होगी। तो जस्टिस लीग डार्क के बारे में बात करी जाए तो काफ़ी कमाल के कैरेक्टर हैं, और डार्क यानी कि हर टाइम इसमें हमें खुरापाती चीज़ें देखने को मिलेंगी। और देन इसे प्रोडक्शन पूरा दे रहा है बैट रोबोट कंपनी, जो कि उन्होंने फुली कंफर्म कर दिया बैट रोबोट कंपनी ने कि वो इसे प्रोड्यूस भी करेगा और इसके प्रोजेक्ट के ऊपर ऑफिशियली काम भी करेगा। जी हाँ, तो जे इसके ऊपर राइट भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, और देन ये एक टीवी सीरीज होने वाली है। पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये लाइव एक्शन होगी या एनिमेशन होगी, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जे स्टार वॉर्स के ऊपर इतना अच्छा प्रोफेशनली काम कर चुके हैं तो वो एक एनिमेशन पे काम करेंगे। तो हाँ, पॉसिबली ये लाइव एक्शन होगी। और तो और मैं आपको बता दूं, ये टीवी सीरीज रिलीज होगी HBO मैक्स पर। जी हाँ, जो कि बैट रोबोट के कंपनी के अंदर बन रही है। तो गाइज, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये टीवी सीरीज बन रही है। बट पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि अगर HBO मैक्स आने वाले फ्यूचर में हिंदी कंटेंट लाएगा तभी लोग इन्हें पसंद करेंगे, क्योंकि DC हमेशा हिंदी कंटेंट में पीछे हो जाता है। तो इसलिए इंडिया में इनके काफ़ी ज़्यादा फैंस कम है। तो गाइस, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे जो डार्क टीवी सीरीज़ बन रही है वो अच्छी बने, जिससे कि लोग इसे पसंद करें और हिंदी में रिलीज़ हो HBO मैक्स पर। तो उम्मीद तो है कि HBO मैक्स पर आने वाले टाइम में हमें हिंदी कंटेंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर उसे सक्सेस होना है तो इंडिया के संग डील करना पड़ेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।